सर्वानिया महाराज में रविवार को जिला पुलिस प्रशासन का स्थानीय रहवासियों ने जमकर फूल बरसाकर स्वागत किया है। आपको बता दें कि यह स्वागत और अभिनंदन सर्वानिया महाराज पुलिस चौकी प्रभारी रामपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में देश में जनता कर्फ्यू के दौरान लॉकडाउन के दौरान से ही शहर में लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर आमजनों की सुरक्षा के लिए सेवाएं दे रहे स्थानीय पुलिस चौकी के पुलिस अधिकारियों तथा NCC कैडेट, आर्मी जवान तथा नगर रक्षा समिति के सदस्यों का फूल बरसाकर स्वागत किया गया है। शहर के लोगों ने आज सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 को ध्यान में रखते हुए देश के इन वीर जवानों का उनकी इन दिनों में विशेष सेवाओं के लिए उनका सम्मान किया गया है। पुलिस का यह सम्मान सदर बाजार, चारभुजा मंदिर परिसर, जैन गली नुक्कड़ तथा नीमच सिंगोली रोड पर किया गया है। जो लॉकडाउन के दौरान जो पुलिस रात दिन एक करके और लॉकडाउन का पालन करा रही है, उस पुलिस के लिए आज सर्वानिया महाराज के नागरिकों ने ऐसा सोचा, जो पुलिस रात दिन अपने लिए मेहनत कर रही है उनका पुष्प से स्वागत किया जाए, इसलिए उनका मनोबल बढ़ेगा और उससे सर्वानिया महाराज का भी नाम ऊंचा होगा और पुलिस के लिए नागरिकों ने जो व्यवस्था की उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और पुलिस प्रशासन जो रात दिन एक करके अपनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए हमने ऐसा किया। भूमिका को लेकर आप कहेंगे? वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो घातक बीमारी कोरोना के रूप में आई है उसमें उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश के जो है सिपाही, डॉक्टर्स आदि जो है इस सेवा में और जो कर्मचारी लगे हुए हैं अपनी जान को खतरे में डालकर देश की रक्षा कर रहे हैं, प्रत्येक नागरिक की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें उनके स्वागत में एक खुशी मनाई और फूल बरसाए। कोरोना वायरस महामारी जो विश्व में फैल रही है उसके लेकर हमने प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो पुलिस प्रशासन वगैरह जो कार्य किए उसके लिए सराहनीय कार्य के लिए हमने पूर्व प्रसाद के लिए अगर बैठे थे और उसको कोरोना महामारी वायरस के हिसाब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के द्वारा आह्वान पर 2 दिन के लॉकडाउन के पश्चात हम नगरवासियों ने सदर बाजार सरोजे महाराज उस अवसर के साथ मार्च का उस अवसर स्वागत किया। नीमच जिले के सर्वानिया महाराज से दिनेश वीरवार की रिपोर्ट।